साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आपको मालूम है कि राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आपकी नाक के ठीक नीचे, मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री आपकी नाक के ठीक नीचे, इन मनुवादी गुंडों ने भारत देश का संविधान जलाया था। 2018 9 अगस्त को भारत देश के संविधान के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान की पत्तियां जलाकर संविधान जलाओ देश बचाओ के नारे लगाए थे। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। इस लाइव वीडियो को अरविंद केजरीवाल की छाती पर शेर ठोक ठोक के उसको पागल बना दीजिए। इस लाइव वीडियो को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाती पर ठोक ठोक कर, शेर ठोक ठोक कर मोदी जी को पागल बना दीजिए। 10 अगस्त 2018 को अखिल भारतीय भीम सेना ने तमाम साथियों के सहयोग से भाई अनिल तंवर जी राष्ट्रीय प्रभारी अखिल भारतीय भीम सेना, भाई अभय सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भीम सेना और तमाम साथियों की शिकायत पर अखिल भारतीय भीम सेना ने मुकदमा दर्ज कराया, SC ST एक्ट लगा, क्योंकि उन देशद्रोही गुंडों ने चमार और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। देश बचाओ, संविधान जलाओ, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान जलाओ, ऐसे नारों से पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। बात सुन लीजिए केजरीवाल साहब, मोदी साहब, भारत देश का संविधान जलाया गया था, मुकदमा दर्ज करा दिया, 4 पागड़ बिल्ले देशद्रोही आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, 12 नामजद थे, 8 गुंडों को तो आतंकवादियों को तो गिरफ्तार भी नहीं किया गया। वो 4 गुंडे गिरफ्तार हुए, इसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जिस भी मामले में देशद्रोह लगा होता है तो पुलिस को चालान पेश करने से पहले, देशद्रोह का केस चलाने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को अभी तक देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। ये केजरीवाल साहब का दोगलापन नहीं तो क्या है? केजरीवाल साहब तक ये वीडियो पहुंचाना मेरे साथियों आपका काम होगा। क्रांतिकारी जय भीम, भाई अनिल तंवर जी, भाई अभय सिंह जी अपनी देसी भाषा में समझा देते हैं, बता देते हैं कि केजरीवाल साहब कि आपको देशद्रोह के इस केस में परमिशन देनी होगी दिल्ली पुलिस को चालान पेश करने की, क्योंकि हम उन बागड़ बिल्लों को तभी सजा दिला सकते हैं जब आप परमिशन देंगे। भाई अनिल तंवर जी, भाई अभय सिंह जी, अभय सिंह जी, क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। साथियों, 9 अगस्त को जो ये करतूत मनुवादियों ने की है, इस देश को शर्मसार करने की कोशिश की है, क्या कहां तक जायज है? कभी इस देश में तिरंगा जड़ता है तो लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाहाकार मचाया जाता है, और यहाँ दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक के ठीक नीचे दिल्ली का देश का संविधान दिल्ली में जलाया गया, और अब तक ये गूंगी बहरी सरकारें जितनी भी मनवादी सरकारें खामोश है, क्यों देशद्रोह के केस में चालान पेश करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं देती? क्या सोचते हैं केजरीवाल? अरे लाला जी, हमने भी दुनिया देखी है, देसी से बावली पूछ को नहीं। जय भीम, ध्यान रखिए और बात सुन ले, अगर सुन ले कान खोल गए, अगर मनवादियों तुम राम के वंशज हो तो शंभू के उत्तर अधिकारी भी हम हैं। जय भीम, अब शंभू मरेगा नहीं, मारेगा, और वो शुरुआत तुमने कर दी है। और दूसरी बात, अगर तुम द्रोणाचार्य के वंशज हो तो एकलव्य के वंशज हम भी है। जय भीम, अंगूठा नहीं कटवाएंगे, पूरा हाथ भीतर घुसे देंगे, लाश, ध्यान रखना इस बात को। और तुम गांधी को मानते हो, गांधी के वंशज हो,
तो हम भी बाबा साहब की औलाद हैं। जय भीम। गांधी मरे तो मरे हजार बार, पर समझौता नहीं होगा। और कान खोल के सुन ले, लाला केजरीवाल भी जो काली खांसी के नाम से मशहूर है, और ये रंडवा भड़वा मोदी जो इसको अपने परिवार का दर्द का नहीं पता, परिवार का दर्द क्या होता है और इस देश का दर्द को क्या जानेगा। आज जो आर्थिक मंदी की स्थिति में इस देश को पहुंचा रखा है, चलो आर्थिक मंदी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले संविधान की बात करते हैं। संविधान का इसने बेड़ा गर्क कर रखा है, आए दिन नए संशोधन संविधान में करता है, क्या समझते हैं ये। अरे संविधान हमारे बाप ने लिखा था, इसकी रक्षा हम उसी तरीके से कर सकते हैं और करके दिखाया। 10 अगस्त 2018 को दिल्ली पुलिस के हलक में हाथ डाल के देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। वो ताकत है बहुजन समाज में, जितने भी बहुजन साथी उस समय साथ में थे सभी को मेरा दिल से सलाम, क्रांतिकारी जय भीम। और उसके तहत में आज 1.5 साल होने को है, ये लाला केजरीवाल चाहता क्या है, क्यों नहीं उनमें देशद्रोह का केस लगने की इजाजत देता है। काली खांसी के नाम से मशहूर लाला केजरीवाल, तुम्हें ये आखिरी वार्निंग है, या तो तुम होश में आ जाओ या फिर भीम सेना का सीधा मुकाबला करो। जिस समय तुम्हारे घर में आके तुम्हारी छाती में दाल डलेगी ना भीम सेना, तुम्हें पता चल जाएगा भीम सेना एक समाज को लेकर नहीं, इस देश को लेकर चल रही है, इस देश के संविधान को लेकर चल रही है। और संविधान को बचाने का बेटा ये एक भीम सेना का ही नहीं है, पूरे देश की 135 करोड़ की आबादी का है। और जो जो संविधान से मानते हैं वो सोचते हैं समझते हैं संविधान हमारे लिए क्या चीज है। और ये आए दिन इन संविधान को पहले तो खत्म करने की बात करते थे और दिल्ली में झड़ाते हैं, अरे सारे की जबान खींच लेंगे। जय भीम। संविधान की तरफ अगर आग उठा के खींच दिखा के देखिए, उन्होंने संविधान के अकॉर्डिंग एडवोकेट किए और जमानत लगाई, जमानत तो मंजूर हो गई है। परंतु ये साथियों, मैं ये एक आपसे वादा भी कर रहा हूँ, जल्द से जल्द अगर लाला केजरीवाल होश में आता तो ठीक है, नहीं होश में लाने का काम भीम सेना करेगी और इन चंद मनवादी भेड़ियों को तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम बहुजन समाज करेगा, ना कि भीम सेना, क्योंकि भीम सेना भी बहुजन समाज से, और बहुजन समाज हमारी वो ताकत है, वो ताकत ने जो 10 अगस्त 2018 को काम करके दिखाया वही जज्बा अब भी कायम है। और अब संविधान बचाने की जिम्मेवारी पूरा बहुजन समाज ही नहीं अपितु पूरा देश लेगा, 135 करोड़ देशवासी लेंगे, तभी जाकर देश का संविधान सुरक्षित रह पाएगा। क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम भाई, इतना भी बता देते हैं, अगर संविधान के प्रति आंख भी उठाए ना तो ये आंख निकाल लेंगे। भाई अनिल तंवर जी ने बोल दिया खुल्ला, उंगली निकालने की जरूरत करी ना दिखाने की जरूरत करी, पूरा करेंगे, ऐसा करेंगे जैसे गुल्ली डंडा खेलते ना तुम लोग, हम सीधा कंचे मारेंगे आंखों में, आंखें फोड़ डालेंगे, संविधान की तरफ आंख भी उठाए तो। और केजरीवाल साहब अनुमति दे दो, हिंदी में बता रहे हैं, कान खोल करके सुन लेना, अनुमति दे दीजिए दिल्ली पुलिस को, मुकदमा दर्ज है देशद्रोह में भाई, कराया है, कानून से ऊपर नहीं है केजरीवाल साहब, आप तानाशाही हो सकते वरना कुर्सी से उठाकर ऐसा फेंकेंगे जिंदगी भर के लिए, समझते रह जाओगे किससे पंगा लिया, बैन सेना से पंगा लिया। भाई अभय सिंह जी जय भीम। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये भारत देश संविधान से चलता है, संविधान से लोक शासन प्रशासन मीडिया और जो भी है वो पूरा देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका संविधान के अनुसार चलती है। फिर संविधान के साथ इस देश में इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो भी इसी संविधान की देन है। न्यायालय एक छोटे से न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायालय वो भी संविधान के दायरे में है, संविधान के अनुसार चलते हैं। और जब संविधान की प्रतियां इस देश में जलाई जा रही हैं, उन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया हुआ है, फिर एक केजरीवाल सरकार उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाने के लिए अपनी परमिशन क्यों नहीं दे रही है। ये केजरीवाल सरकार को सोच लेना चाहिए कि आप सीएम बने हो, दिल्ली के सीएम बने हो, ये किसी देवी देवता है भगवान की देन नहीं है, उसी संविधान की देन है, उस
सबसे ज्यादा दिल्ली में SC ST की संख्या है, उनकी बदौलत आप मुख्यमंत्री बने हो। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, जिन्होंने आपको एक नीचे से ऊपर तक पहुंचाया, उन्हें उठाना आता है तो आपको गिराना भी आता है। इससे अच्छा है कि समय रहते सुधर जाओ, अपनी औकात में आ जाओ। और मोदी जी, ड्रामा करना बंद कर दो, गलीचों पे जाके, कारपेट पे जाके कूड़ा रख के, फिर उन औरतों के साथ बेला फुसला के उनके साथ कूड़ा छांटते हो। अरे शर्म करो, हमने PM चुना है, कूड़ा बीनने वाला नहीं चुना है। अपनी औकात में आ जाओ, जो काम है तुम्हारा वो करो। तुम चाय वाले थे, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की जनता मूर्ख है। जिस जनता ने झूठे कप दे, चाय वाले को झूठे कप देने चाहिए थे, उसको पूरा देश दे दिया। उस देश देने का आज नतीजा में देखने को मिल रहा है। जिस मनमोहन सरकार में GDP इतने उच्च स्तर पर थी, आज 5% से, वो तो रखे मीडिया दिखा रही है कि 5% GDP है, GDP तो 3.5% पे आ चुकी है। आज देश भुखमरी की कगार पे पहुंच गया है। युवा फांसी दे रहे हैं, लोग जिंदा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जितने भी चोरी डकैती बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग अपनी गंदी नीति पे चल रहे हो, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हो, रोजगार खत्म कर रहे हो, भाईचारा खत्म कर रहे हो, भाई भाई को एक जगह बैठने से तुम मजबूर कर रहे हो, दूर कर रहे हो उन्हें। मैं कहता हूं एक बार केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार, होश में आ जाओ, और जो सच्चाई का रास्ता है, एक इंसानियत का रास्ता है, अच्छा रास्ता है, उसमें आ जाओ। नहीं तो कोई बात नहीं, अब एक क्लब नहीं बनेंगे, अंगूठा नहीं कटाएंगे, हाथ देखे ना तुम्हारा हलक खींच लेंगे, जाबड़ा बाहर काट देंगे। केजरीवाल साहब और मोदी साहब, सिद्धि सुन लेना, या भीमसेना की चेतावनी है। ये भीमसेना की चेतावनी है कि 6 दिन का टाइम दिया, 6-7 दिन का टाइम दिया जाता है केजरीवाल सरकार के लिए कि अपनी इजाजत दें और उन संविधान चलाने वाले देश द्रोहियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो हम केजरीवाल सरकार का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों बता दिया आपको, ईंट से ईंट बजा देंगे। जानकारी के लिए दोबारा बता देते हैं भैया जी नवाब सतपाल तंवर कि देशद्रोह में कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो ऐसे में कंसर्न पुलिस को राज्य सरकार की परमिशन लेनी ही होगी और इसके बाद में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसमें मुकदमा दर्ज है, अखिल भारतीय भीमसेना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज है, देशद्रोह लगा हुआ है, अन्याय की सी धाराएं लगी हुई है, SC ST Act लगा हुआ है। लेकिन ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है अभी तक अनुमति नहीं दे रही है। 1 साल हो चुका है, बार बार पागल बनाया जा रहा है। और साफ तौर पर कहा है, अभय सिंह जी ने कह दिया, भाई अनिल तंवर जी ने कह दिया, और भाई नवाब सतपाल तंवर अपने शब्दों में कह देते हैं, केजरीवाल साहब 1 सप्ताह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 1 सप्ताह का टाइम दे, बस 1 सप्ताह के भीतर, 1 हफ्ते के भीतर अपना डिसाइड कर लियो, अक जो है थम परमिशन दोगे अक ना दोगे, दिल्ली में अदालत में चलान पेश करने की परमिशन दोगे कि ना दोगे, देशद्रोह में अगर ना दोगे ना तो घेराव भी करेंगे भाई, और ईंट ते ईंट भी बजावेंगे, और तेरी रात की नींद भी आराम करेंगे भाई। साथियों, जितने साथी जुड़ रहे हैं सब तक कहूंगा, लाइक और शेयर और कमेंट छाती पे जान दो सीधी, मोदी कर केजरीवाल का बहुत होगी लालागिरी और बहुत होगी मोदी गिरी। इब दिखा देंगे कौन सा पैकू गए और कौन सा लाल्या है भाई, सीधी बात है, मारो शेयर ठोको शेयर भाई। अनिल तंवर जी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और साथियों एक बात और, इन मनवादी सरकारों को और मनवाद में मनवाद के पालने वाले इन दलालों को यह बता देना चाहता हूं कि इस देश के हम हुक्मरान हैं, थे और रहेंगे, और अपने घर का ताला हमेशा मकान मालिक ही लगा सकता है, किसी किराएदार की हिम्मत को ना, जो घर का ताला लगा सके। वो ताला हमने 2 अप्रैल को लगा के दिखाया, वो ताला हमने दिल्ली 21 अगस्त को लगा के दिखाया, इनकी सबकी नींद हराम हो गई। और वही ताला, अब अगर ताला लगा के तो ताला खोल दिया था, पर अब अगर चाबी भी समुंदर में फेंक दे, ध्यान रख लियो भाई, कमीना छोटा है कभी भी, या तो परमिशन दे दो, या हम तो वो शख्स हैं अगर घी को गरम करने गरम नहीं करते, उंगली देख कर सीधा
डिब्बे को कर रहे हैं, सीधा डिब्बे को गर्म कर देते हैं, हम कमी नहीं छोड़ते भाई, बिल्कुल ध्यान रखना केजरीवाल साहब। तो साथियों अल्टीमेटम दे दिया है, सभी साथियों से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और इसको केजरीवाल के घर तक पहुंचा दे, उन तक नहीं उनके घर तक पहुंचा दे, सीधे धक्का देकर बढ़ाई दे उनके। अनिल तमर जी ने कहा था कि हम 2 अप्रैल को ताला बंद कर सकते हैं, अब हमारा ताला बंद करने का केजरीवाल का विधानसभा में ताला लगाने वाले हैं, इसके बाद हम ईवीएम में ताला लगाने वाले हैं, अगले इलेक्शन में मोदी का भी ताला लगाने वाले हैं। जय भीम, जय भीम भाई। सभी साथियों को जितने साथी जुड़े हैं भाई, मेहनत करनी है और इस वीडियो को शेयर करना है और आगे चलकर जो भी कोई बात होगी सामने, कोई डिसीजन लिया जाएगा मेरे साथियों, आप सभी को बताया जाएगा, अपनी नजरें बनाए रखिएगा, कर दो शेयर, टोंक दो शेयर, क्रांतिकारी जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।